नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास खबर। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर के मंदिरों में और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि भीड़ एकत्रित ना हो सके। और जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। आज से चैत्र नवरात्र शुरू, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। नवरात्र के पीछे की क्या है कहानी? 9 दिनों तक होती है माँ की पूजा। सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, बताते हैं आपको। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसकी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की एक ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए, हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर के रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना के बीच नवरात्रि का त्योहार भक्तों को मनाना पड़ रहा है। दिल्ली में कुछ मंदिरों ने भक्तों के एंट्री बंद कर दी है। कई मंदिरों में ई पास से श्रद्धालु को एंट्री मिलेगी। वहीं झंझेवाला मंदिर में किसी श्रद्धालु को अगले आदेश तक एंट्री नहीं दी जाएगी। नवरात्र के दौरान पुजारी और मंदिर का स्टाफ भी पूजा और आरती कर सकेंगे। माता का श्रृंगार, पूजा अर्चना, अखंड ज्योत में भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी दी गई है। सोशल मीडिया पर आरती और मंदिर में हो रहे दूसरे कार्यक्रम देखे जा सकेंगे। कालका जी मंदिर की बात करें तो यहां दर्शन के लिए मंदिर की वेबसाइट से ऑनलाइन पास लेना होगा। पास सुबह 5:30 बजे से रात 8 बजे तक के टाइम स्लॉट में उपलब्ध होंगे। सीमित संख्या के में पास उपलब्ध कराए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए मंदिर में घेरे बनाए गए हैं। वहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। महंत सुरेंद्र नाथ के अनुसार नवरात्र की तैयारियों को लेकर शहर के कई मंदिरों की सजावट की गई है, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बाजारों में दुकानों को नया रंग रूप दिया जा रहा है, तो वहीं बाजार में माँ दुर्गा की भांति भांति की प्रतिमा मंगवाई गई हैं। कोरोना की वजह से इस बार भी नवरात्रियों पर मंदिरों में चहल पहल नहीं रहेगी। मंदिरों में पर्व पर कोविड गाइडलाइंस के पालन करने की तैयारी की गई है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ न लगने पाए। मंदिरों में एक साथ 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोई भी श्रद्धालु बिना मास्क के मंदिर में एंट्री नहीं कर पाएगा। श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ही तैयारी की गई है। मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी ने बताया कि श्रद्धालु दूर से ही दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। वहीं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में आज से चैत्र मेला शुरू हो गया है। कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए यहां कर्मचारियों के विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य
है, बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना को ध्यान में रखकर 15 फीट की दूरी से ही दर्शन मिलेंगे। वहीं मेरठ की बात करें तो वहां देवी मंदिरों में कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। सदर स्थित काली माता मंदिर के पुजारी संकेत बनर्जी ने बताया कि बिना मास्क के किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक बार में 2 श्रद्धालु मां के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा रात 10 बजे होने वाली शयन आरती का समय बदलकर अब रात 9 बजे कर दिया गया है। रात 10 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं अगरनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको भी नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।